हाँ, ये सभी लोगों को नमस्कार है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, इधर आज ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज शेयर करने के लिए आया हूँ। क्या है ना, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, ये सब बहुत अट्रैक्टिव जगह है। इधर पैसा ही है, आप पैसा बन सकता है, पैसा गवा भी सकता है, दोनों चीज़ है इधर। फिर भी आप थोड़ा सीख के कर दिया तो अच्छे खासा पैसा कमा सकता है। किसी बिजनेस में भी इतना पैसा नहीं आता है, ऐसा ही आप अर्न कर सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। वॉरेन बफेट है, वो वर्ल्ड का पहला अमीर आदमी है। उसका पूरा शेयर इन्वेस्टमेंट में ही कमाया है वो, इसलिए। और इंडिया में सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करके राकेश झुनझुनवाला, वो 14,000 करोड़ अर्न किया। ये ऐसा ही चीज है, इसलिए इधर बहुत सारा पैसा है। फिर भी आप थोड़ा सीख के कर दिया तो आपका बहुत मुनाफा मिल सकता है। पहले इंट्राडे ट्रेड में 3-4 चीज में आप ध्यान में रहने का, वो क्या है ना, पहला है आपका कैपिटल, कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट किया, उसके हिसाब से ट्रेड करना है। मतलब दूसरा है रूमर्स, रूमर्स के हिसाब से कोई टिप्स देता है उसके हिसाब से चलना मत करो। थोड़ा लॉस हो गया तो ठीक है, आप सीखो और आपके हिसाब से, आपका एनालिसिस के हिसाब से कोई टिप्स नहीं कर सकता है, इसलिए आप भी आपका बस हो जाता है, ऐसा है ना। और तीसरा है लालच, मतलब ग्रीडी, ग्रीडी मत करो। क्या है ना, आपके पास 50,000 है ट्रेड करने के लिए, आप मॉर्निंग एकदम जोश में है क्योंकि पिछले दिन में आपको प्रॉफिट हो गया था, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, ये आज कल मुझे 4,000 आ गया, आज 20,000 करता, ऐसा करके मॉर्निंग में कुछ आपका दिमाग कुछ काम नहीं करता है, कुछ ना कुछ शेयर आप खरीद करता है क्योंकि आपका थोड़ा लालच है, इसलिए दिमाग नहीं काम करता उस लालच के टाइम, इसलिए थोड़ा सोच के समझ के ट्रेड एग्जीक्यूट करो। एक बार एग्जीक्यूट किया तो अभी ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट किया, गलत एग्जीक्यूट किया तो ठीक है, थोड़ा स्टॉप लॉस करके एग्जिट हो जाओ। प्रॉफिट में लॉस में है तो बिल्कुल वेट करना मत करो, एग्जिट हो जाओ क्योंकि आपका कैपिटल को आपका बचना है। एंड एक और चीज है आपका कैपिटल बचने का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कैपिटल बच के लिया तो आज प्रॉफिट नहीं हुआ तो कल कर सकता है, कैपिटल पूरा गवा दिया तो क्या कर सकते हैं, फिर कैपिटल को अरेंज करना पड़ेगा, फाइनेंस मिलना उतना आसान नहीं है, इसलिए इसका भी दिमाग में रखो। ट्रेड साइज को भी मैं भूल गया था ये चीज़ बताने का। ट्रेड साइज मतलब आपको कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है क्योंकि ग्रीडी एंड फियर वो फैक्टर ना मार्केट को रूल करता है। कभी भी कितना साल मार्केट रहता है ना, 1,000 साल, 2,000 साल, ये दो चीज़ कैपिटल मार्केट को डील करता है। आपके पास 20,000 है, आप 4,000 से इंट्राडे ट्रेडिंग लिया तो ठीक है, आपका कुछ टेंशन नहीं है, थोड़ा लॉस हो गया तो भी वो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आप एवरेज भी कर सकते हैं और 4,000 से फिर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, उस टाइम तो लॉस हो गया तो थोड़ा कम हो जाता है, प्रॉफिट आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर आपके पास 20,000 है, आप 20,000 के पूरा और ब्रोकर पे देता है ना एवरेज, उसको यूज़ करके मार्जिन, उसको यूज़ करके आप ट्रेड लिया तो आपको फियर हो जाता है क्योंकि 1 रुपये डाउन हो गया तो भी आपको टॉलरेंट करना मुश्किल हो जाता है, आप इनटॉलरेंट रहता है, इसलिए वो पूरा कैपिटल हिसाब से, इसके हिसाब से ट्रेड करना मत करो, इससे लॉस होने का संभावना बहुत ज़्यादा है और आपका पूरा कैपिटल खो जाता है। एक स्टोरी है, एक आदमी था, उसका 1,00,000 रुपये था, उसका कुछ फ्रेंड ने बताया था ये ट्रेड ले लो कल, मतलब वो डाउन हो जाता है, और उसको ब्रोकरेज ने मार्जिन लेता है, वो 10,00,000 का मार्जिन,
वो 10 लाख का पूरा मार्जिन यूज़ किया, 300 का कुछ शेयर को 3,000 4,000 शार्ट किया एकदम मार्केट ओपन होने के बाद, और वेट करना शुरू किया। फिर वेट करा, क्या हुआ उस दिन उसके नसीब अच्छा नहीं था। क्या हुआ मत ना, वो पूरा 30 to 40 रुपीस अप हो गया। 40 रुपीस अप मतलब क्या है, 40 × 3,000 × 40 120,000 रुपये उसका इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। उसी दिन में 1 लाख भी पूरा कैपिटल गवाया, और 20,000 भी देना पड़ता है, और ब्रोकरेज भी देना पड़ता है। ऐसा हो गया ओवर ट्रेड से, और पूरा कैपिटल के हिसाब से यूज़ कर लिया तो ऐसा हो जाता है। इसलिए पूरा कैपिटल यूज़ करना मत करो। और स्टॉप लॉस का मतलब है इक्विटी, मतलब 10% का स्टॉप लॉस है, और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो 32% स्टॉप लॉस रखने का। इसके हिसाब से आपका लॉट साइज डिसाइड करो। बैंक निफ्टी है तो आपको 20 क्वांटिटी का एक लॉट है, उसका आप 200 का मतलब 4,000 में 32% मतलब कितना है, 1,200 का स्टॉप लॉस है, ऐसा रखने का स्टॉप लॉस। निफ्टी में भी ऐसा सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है, सही है ना। और डोंट लिसन द न्यूज मीडिया चैनल्स लाइक मनी कंट्रोल एंड ऑल, दे आर टेलिंग ना बाय दिस स्टॉक गुड लाइक दैट। क्योंकि मैं ऑब्जर्व किया, यस बैंक को सही लोगों ने रेकमेंड किया था, 500 से रेकमेंड करना शुरू किया था, फिर भी क्या हुआ, यस बैंक का अभी 20 रुपये में चल रहा है। रुचि सोया 7 रुपये 3 रुपये में था लास्ट ईयर नवंबर में, कोई बताया क्या, नहीं ना, कोई लोग उसको बाय करने का नहीं बताया। ऐसा ही चीज़ है, कोई स्टॉक को वो बाय करने का रेकमेंड करता है ना, उसके हिसाब से उसको स्टॉक डाउन हो जाता है, वो रिकवर होने का संभावना बहुत कम है। इसलिए रूमर को और टिप्स के हिसाब से काम करना बंद करो और प्लान करो, एक दिन का डेली प्लान करो ट्रेड करने का, मतलब आज क्या करना है, कितना ट्रेड लेने का, 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड लाइक मैक्स टू मैक्स 6 ट्रेड, उसकी ज़्यादा ट्रेड मत करो क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग से कुछ फायदा नहीं, मैं भी एक्सपेरिमेंट करके कर दिया। और एक चीज़ है, आपके प्रॉफिट हो गया मॉर्निंग मतलब 3,000 4,000 प्रॉफिट हो गया तो क्या करो, वो प्रॉफिट को लॉक करो और विथड्रॉ करो और कुछ भी करो, कुछ भी करके मोबाइल स्विच ऑफ करके बाहर जाओ, फिर ट्रेड करना बंद करो क्योंकि उससे लॉस होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है, सही है ना। इसलिए वो करना मत करो। ये सब चीज़ है इंट्राडे ट्रेडिंग में, ये सबको आपने कर दिया तो आप इंट्राडे में अच्छा मुनाफा प्रॉफिट कर सकते हैं। कुछ ना डाउट है तो मुझे मैसेज करो, इधर कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करो, मैं सॉल्व करने के लिए कोशिश करता हूँ। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और कुछ फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।